अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही रामलला की मूर्ति स्थापना को लेकर देश भर में खुशी का माहौल है, जिसे लेकर बहादुरगढ़ में भी एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और प्रभु श्री राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण शहर के लोगों को दिया गया। बहादुरगढ़ शहर के झज्जर रोड से यात्रा शुरू हुई और बहादुरगढ़ शहर के साथ साथ गाँवों में गयी। इस दौरान पूरा शहर राम भक्तों के जयकारे से गूंज उठा। इस शोभा यात्रा का आयोजन बीजेपी नेता युद्धवीर भारद्वाज द्वारा किया गया और इसमें देश के प्रसिद्ध संत कालिदास जी महाराज भी शामिल हुए। 550 सालों से जो भक्तों की एक हमारे भारत की जनता की जो इच्छा थी, वो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से पूरी होने जा रही है और 22 तारीख को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कल कर्मों द्वारा हो रहा है। उसी उपलक्ष में पूरे बहादुरगढ़ हल्के में ये शोभा यात्रा, राम शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और हमारा संदेश ये है कि सभी इस त्यौहार को दिवाली के साथ मनाएं। ये एक दूसरी दिवाली है जो बड़ी धूमधाम से लोगों में मनाई जाएगी और सभी में बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है। बहुत सारे और साथियों ने भी राम जी की ये रैलियां निकाली हैं, तो हम सभी का धन्यवाद भी करते हैं। श्री राम शोभा यात्रा में शामिल संत कालिदास जी महाराज ने राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि देशवासियों को ये सौभाग्य मिला है कि वो दूसरी बार श्री राम की अयोध्या आगमन पर दिवाली मना रहे हैं। बहुत बड़ा रैली निकल रहे हैं, भव्य यहाँ नगर में स्वागत हो रही है आपका। युवा युवती सौकड़ा हजारों के संख्या में तहत का यहाँ कतारा लगा हुआ है। इसको देश और विदेश देख रहे हैं। भारत सरकार द्वारा SSB प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर कमल द्वारा ये आने वाला दिन हम लोग का 22 तारीख त्योहार का दिवाली जिस तरह से मनाया जा रहा है, संसार का एक तरह से देवता भी सारा इस मृत्यु लोक में आकर के स्वागत कर रहे हैं, ऐसे SSP प्रधानमंत्री का भी स्वागत और हमारे जनता जनार्दन भारतवासी का सभी का स्वागत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उल्लास का माहौल है। सभी मंदिरों में साफ सफाई का कार्य चल रहा है तो वहीं जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हर कोई प्रभु श्री राम के लिए कुछ अलग कर गुजरने का मन बनाए बैठा है और इस दिन को यादगार और भव्य बनाने में हर कोई जुटा हुआ है। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनकर की रिपोर्ट।